नमस्कार, स्वागत है आपका द डायमंड टॉक पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि सभी वीडियो सीधे आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था, कलयुग का सच बता दिया था, कलयुग कैसा होगा, कलयुग के लोगों के विचार कैसे होंगे, कलयुग के लोगों का जीवन कैसे होगा, कलयुग के लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातों के बारे में जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में ही 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो वह मुझे विस्तार से आकर बताना। 5 पांडव वन में जाकर वापस आए और श्री कृष्ण से क्या बताया, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस दृश्य के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो दोनों ओर से लोगों का शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। भीम ने कहा कि मैंने देखा प्रभु कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और वो इतना ज़्यादा चाट रही थी कि बच्चे के शरीर से रक्त निकलने लगा। भीम यह देखकर दंग रह गया और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा, ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, सोचेंगे कि ये पुत्र मेरा किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया परिवार में ही लिप्त रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं है, उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां अपने पतियों की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद लिखे थे परंतु वह एक मनुष्य के मांस को खा रहा था और मांस के ढेर पर बैठा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें कहा तो विद्वान जाएगा, जो दिखेंगे हमें विद्वान, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जाए और उसकी संपत्ति पर उसका हक हो जाए और वह उस संपत्ति पर अपना हक जता ले। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा होगा परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कुछ ही होंगे। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरते हुए बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं और वृक्षों को तोड़ते हुए नीचे आ रही है, परंतु एक छोटे से पौधे के पास आकर वह चट्टान वहीं रुक जाती है। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता से भी रोका नहीं जाएगा और धन और सत्ता भी से रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था और उसमें पानी भी नहीं था। इस पर कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्र विवाह में, उत्सवों में बहुत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, यह है श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 कड़वे सत्य और आज भी जो सत्य होते हुए प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सभी वीडियो
तत्काल सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त हो जाए। हम महाभारत, रामायण, सभी वेदों से जुड़े हुए रहस्य आपके बीच लगातार लाते रहेंगे और लगातार लाते रहते हैं। प्रतिदिन हमारे चैनल पर एक वीडियो आता है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और इन्फॉर्मेटिव होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।